दोस्तों शराब का नशा बहुत ही ज्यादा बुरा नशा होता है और ये बात तो हर कोई जानता है, लेकिन इसे मानता कोई नहीं है। इसलिए जो जितना चाहे उतना नशा करता है और जैसा चाहे वैसी हरकत करता है। वैसे शराब का नशा करने के बाद हम क्या कर रहे हैं इसका तो हमें होश नहीं रहता, इसलिए नशे में आदमी जो कुछ भी करे वह काफी फनी मोमेंट बन जाता है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको और शराबियों की कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकतें दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको काफी मजा आने वाला है। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों आमतौर पर देखते हैं कि शराब का नशा करके अपने होश गवा चुके पुरुष ही दिखाई देते हैं, लेकिन अक्सर कुछ महिलाएं भी शराब के नशे में पूरी तरह से धुत होकर उल्टी सीधी हरकतें करती हैं। इन मोहतरमा को देख लीजिए, इन्होंने इतनी ज्यादा शराब पी रखी है कि इन्हें बिल्कुल भी होश नहीं है कि ये कहां पर हैं। पुलिसकर्मी इन्हें उठाकर पुलिस स्टेशन लेकर आए, लेकिन मैडम को इतनी भी होश नहीं है कि पुलिस वालों से ढंग से बात कर सकें। देखिए कैसे ये मैडम पुलिस वालों के सामने उल्टी सीधी हरकतें करती दिखाई दे रही है। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इनके मन में पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। इस मोहतरमा को देख लीजिए, शराब का नशा करके ये इस कदर अपने होश खो चुकी हैं कि इतना बड़ा भोपू इनके कान के पास बजाया जा रहा है फिर भी मैडम को होश नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बिना पानी मिला के ही शराब पी लिया। इसलिए देखिए कैसे कुर्सी पर आराम से बैठकर नींद ले रही है। इन भाई साहब ने काफी ज्यादा शराब पी रखी है, इसलिए देखिए कैसे अपने घर तक वापस जाने के लिए इन घोड़े का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये महाशय खुद तो अपने पैर पर चलकर नहीं जा सकते। वे तो अच्छा हुआ कि घोड़ा काफी ज्यादा समझदार है और ये शराब भी नहीं पीता, इसलिए आराम से इन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर घर ले जा रहा है। शराब के नशे में धुत होकर नाच गाना का आनंद लेते हुए इस महिला को देखिए, शराब पी कर इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके शरीर में माइकल जैक्सन का भूत घुस गया है। इसलिए देखिए कैसे गजब का डांस कर रही हैं। लेकिन ये क्या, डांस करते करते अचानक इनकी गाड़ी दूसरी दिशा में जाने लगी और आगे चलकर इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। नो 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 दोस्तों अब इन भाई साहब को देख लीजिए, अपने हाथ में एक बड़ी सी बाल्टी लेकर काफी लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं। शराब पीने के बाद आदमी खुद का वजन नहीं संभाल पाता और ये भाई साहब अपने हाथ में इतनी बड़ी बाल्टी लेकर चल रहे हैं। आखिरकार होना वही था, इनकी भी गाड़ी आगे चलकर खाई में गिर गई। दोस्तों शराब पीने के बाद आप किसी को ना भी छेड़ेंगे तो भी आपकी पिटाई होना तो है। जैसे इस वीडियो में देखिए, ये बेचारा आदमी शराब के नशे में इतना गुम था कि जाकर सीधे इस महिला के पास गिर गया, जिसके बाद उस महिला ने इसकी जमकर पिटाई कर दी। जरा सोचिए ये अगर होश में होता तो क्या होता। शराब का पेट भर नशा करने के बाद ये अंकल जी लंबी सी मॉडल के साथ ठुमका लगाना चाहते हैं, लेकिन इस मॉडल ने भी इन्हें ऐसा ठुमका लगाकर दरकिनार कर दिया कि अंकल जी जाकर सीधे कुत्ते के ऊपर गिर गए। वो तो अच्छा हुआ कि कुत्ते ने इन्हें काटा नहीं, वरना नशा एक झटके में उतर जाता। शराब का नशा करने वाले आदमी अक्सर न सिर्फ खुद का नुकसान करता है बल्कि अपने आसपास की चीजों का भी नुकसान कर देता है। अब इन महाशय को देखिए, लगता है शराब में मिलाने के लिए फ्रिज में से पानी निकाल रहे थे, लेकिन पूरी की पूरी फ्रिज ही इन्होंने अपने ऊपर गिरा ली। ये भाई साहब जाना तो अपने घर के अंदर जा रहे थे, लेकिन दरवाजा खुलते ही इनके अंदर के नशे में इन्हें उल्टी दिशा में धकेल दिया, जिसके बाद देखिए कैसे सीढ़ियों पर उल्टी पलटी होकर ऊपर जाने की बजाय ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए। ये भाई साहब कुर्सी पर बैठे बैठे ही आराम फरमा रहे हैं, लेकिन इन्होंने काफी ज्यादा शराब पी रखी है इसलिए शराब इन्हें कुर्सी पर बैठने नहीं दे रही। फिर देखिए अचानक उन्होंने जमीन पर लेटने का इरादा कर लिया। लगता है ये कोई फुटबॉल प्लेयर है, लेकिन फुटबॉल खेलने से पहले इन्होंने काफी ज्यादा शराब पी रखी है। नशे में होने के कारण शायद इन्हें एक फुटबॉल की जगह दो फुटबॉल दिखाई दे रहे हैं, इसलिए फुटबॉल कहीं और जा रहा है और इनकी टांग कहीं और जा रही है।
इस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये शराब पीने में काफी ज्यादा माहिर है, इसलिए बिना पानी मिलाए डायरेक्ट बोतल से ही अपने मुंह में लगाकर शराब गटक रहा है। लेकिन शायद इसने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ऐसा कर दिया, जिसका परिणाम भी थोड़ी देर बाद दिखने लगा। देखिए ये भाई साहब चलते फिरते इधर उधर लुढ़क रहे हैं। शराब के नशे में चूर चूर होकर जिस तरीके से लड़खड़ाते हुए ये भाई साहब अपने स्वर के बल पर गिरे, इसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे इनकी खोपड़ी का घंटा जरूर बजा होगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनी ड्यूटी पर जाने से पहले ही दो पैक एक्स्ट्रा लगा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वहां जाकर काफी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे इन भाई साहब ने किया। इन्होंने इतना ज्यादा शराब पी रखी है कि अब मेहनत दूर की बात है। ये भाई साहब अपने पैरों पर चलने लायक भी नहीं बचे। इस आदमी को शादी में माहौल बनाने के लिए भोपू बजाने को बुलाया गया था, लेकिन ये आदमी पहले से खुद का माहौल बनाकर आया है। भाई साहब ने भोपू बजवाने से पहले शराब पीकर खुद का ही काफी ज्यादा भोपू बजा रखा है। अब इनका ही नहीं पता है कि ये कौन सी धुन बजा रहे हैं। दोस्तों अब इस शराबी लड़के को देखिए, इसने काफी ज्यादा शराब पी रखी है। इतनी ज्यादा शराब पी ली है कि अब पूरी तरह से बेहोश हो चुका है। इतना बड़ा भोपो इनके कान के पास बजाया जा रहा है, फिर भी ये लड़का अपने को तैयार नहीं है। भाई कमाल है ऐसे लोगों की। शराब पीकर घर में एंट्री करते ये अंकल जी इतना ज्यादा जल्दबाजी में हैं कि इन्होंने बेड पर छलांग लगाने की जगह फर्श के ऊपर छलांग लगा दी। अब सुबह जब नशा उतरेगा तब इन्हें पता चलेगा कि इनके शरीर की कितनी हड्डियां टूटी हैं। शराब के नशे में डूबा हुआ ये लड़का हंस रहा है या रो रहा है, हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। अब इस शराबी आदमी को देखिए, इसे इस बात का ध्यान नहीं है कि उस दुकान में घुसने के लिए इतना बड़ा गेट बना है, लेकिन देखिए कैसे दुकान की टूटी हुई कांच के अंदर से घुसने की कोशिश कर रहा है। इस कोशिश के चक्कर में इसने अपने सिर का नारियल फोड़ दिया। आइए दोस्तों एक और शराबी से मिलिए। इन्होंने भी इतना ज्यादा नशा कर रखा है कि अब इनके अंदर एक रैपर और एक डांसर दोनों एक साथ घुस गए हैं, इसलिए देखिए कैसे अपने अंदाज में पहले तो इन्होंने रैप किया और उसके बाद डांस करने लगे। शराब का नशा करने के बाद हमें खुद ही ठीक से नहीं चला जाता, और ये अंकल जी दो दो मोहतरमाओं के साथ गले में हाथ डाले डांस कर रहे हैं। ये भाई साहब खुद तो गिरे, साथ में उस महिला को भी लेके लुढ़क गए। लगता है ये दोनों शराबी कुत्ते को पकड़कर ज्ञान दे रहे हैं। ये दोनों भी उस कुत्ते से कह रहे होंगे कि देख भाई शराब पीना बुरी बात है, शराब पीने से गुर्दा खराब हो जाता है, शराब पीने से आदमी पागल हो जाता है। हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों की सलाह वो कुत्ता जरूर मानेगा। Los jóvenes. लगता है लड़की के बॉयफ्रेंड ने ऐसा धोखा दिया है, इसलिए लड़की इतना ज्यादा गम में डूब गई कि इसने शराब के नशे में डूबना सही समझा। देखिए कैसे चीख कर ये लड़की बवाल मचा रही है। भाई दिखने में तो ये लड़की काफी सुंदर दिखाई दे रही है, लेकिन ये भी एक नंबर की पियक्कड़ निकली। जिस तरह से ये शराब पी रही है ऐसा लग रहा है जैसे सुबह शाम बस शराब ही पीती रहती है। ऐसा भी हो सकता है कि इसकी सुंदरता के पीछे राज शराबी हो। कुछ लोग शराब पीने के बाद बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं, कुछ लोग डांसर बन जाते हैं, तो कुछ लोग एक्टर बन जाते हैं। एक ऐसे ही ये भाई साहब सिंगर बन गए, शराब की बोतल को ही अपना माइक बना लिया और इतने सलीके से गाना गा रहे हैं कि गाने की बारीकियां भी लोगों को समझा रहे हैं। शराब का नशा करके खुले सांड की तरह घूम रहे इस आदमी को देखिए, अचानक सामने से पटाखा फूटने की आवाज आती है और ऐसा इन्हें लगता है कि ये भाई साहब जंग के मैदान में घूम रहे हैं और चारों तरफ गोलियां चलने लगी, इसलिए देखिए कैसे खुद को बचाने के लिए कलाबाजियां कर रहे हैं। कुछ लोग शराब के नशे में इस कदर पागल हो जाते हैं कि अपने आप को बहुत बड़ा भाई समझने लगते हैं और किसी के भी ऊपर रोब झाड़ने लगते हैं, जैसे कि ये भाई साहब। इन्होंने इतना ज्यादा नशा किया हुआ है कि अब शराब पिलाने वाले के ऊपर आग बबूला हो रहे हैं। हालांकि हाथ उठाने की हिम्मत तो कोई भी शराबी नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो एक हाथ उठाएगा तो उसके ऊपर 10 हाथ चल जाएंगे।
तो दोस्तों ये थे वो सारे शराबी जो शराब के नशे में पागल होकर उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे। उनकी हरकतों को देखकर जरूर आपके चेहरे पर हंसी आई होगी। अगर इस वीडियो की वजह से आपके चेहरे पर हंसी आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करते चलिए। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।